सूरज उस तरफ डूबा, मतलब वो पश्चिम है और ये पूरब, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। मैं आई थी, हाँ मैं उत्तर की तरफ से आई थी, राइट। भगवान पर भरोसा रखकर उत्तर की तरफ चलती हूँ। क्या होगा, कैसी होंगी जेठानी जी, किस हालात में होंगी? वैसे इतना घना जंगल और ऊपर से सुनसान, मेरा तो जी घबरा रहा है। क्यों घबरा रही हैं आप? मैंने अभी बात की है उनसे, मीठी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। जाइए, जाके रेस्ट कीजिए। तसल्ली तो मैंने दे दी, सच यही है कि मीठी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। कितनी अजीब होती है जिंदगी, एक पल में कुछ और दूसरे ही पल में कुछ और। एक पल में मीठी हमारे सामने थी, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सब खुश थे, और दूसरे ही पल वो अचानक गायब हो गई। सबके चेहरे पर चिंता है, आंखों में डर है। जिंदगी और किस्मत ने कब मुझे कुछ दिया है कि मैं ये भरोसा रखूं कि कल जिंदगी मुझे एक ऐसा मौका देगी जिसमें मैं सच कह सकूं। अगर कुछ कहना है, अगर कुछ करना है, तो आज ही कर लेना चाहिए, अभी। का जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं कह देना चाहता हूं अभी। आप एक बार सुन लीजिए प्लीज। सही लफ्ज तो दूर, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। मैं नहीं जानता मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है, और मैं नहीं जानता आपको कैसा लगेगा, पर कहना जरूरी है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में जो भी जानती हैं वो सब गलत है। आप जानती हैं कि आपकी माँ आपको पैदा करते ही चल बसी, ये सच है। पर आप उनको जिस भी नाम से जानती हैं वो गलत है। उनका नाम मालविका था। She died because of a fire accident. एक ऐसी आग जो उन्होंने खुद लगाई थी। आप समझती हैं कि आपके पिता का नाम धर्मवीर चौबे है। ये सच है कि उन्होंने आपको पाला है, पर वो आपके पिता नहीं है, वो आपके मामा है, मालविका के भाई। ये सब मैं कैसे जानता हूँ? ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि वो अभा का पति, जिसकी पत्नी एक हादसे में यूं उसे छोड़कर चली गई, वो अभा का पिता जो नहीं जानता था कि उसकी कोई बेटी है, जो नहीं जानता था कि आप उसकी बेटी हैं, वो अभा का इंसान है। मैं उनका पिता, अंबिका मेरी बेटी। पर अंबिका नहीं, चुप क्यों हो गए? कहिए ना, कंटिन्यू। क्या कहूं मैं आपसे? जो मैंने कहा वो सच है, पर ये सच अंबिका के लिए था। क्यों? क्योंकि हम सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बात कहे पापा, हमें लगता था आपकी दुनिया में सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम।
मगर आपकी तो एक और दुनिया भी, और बेटी भी। वो आपकी बेटी हो सकती है, पर हमारी बहन का मैं समझ सकता हूं। हाँ, अब पर क्या बीत रही है? But Mukta, please try and understand me. Please, मुझे गलत मत समझिए, please. मैं जानता हूं कि आपके सामने कभी मेरी अतीत की बात नहीं की गई। आपको नहीं पता, पर आपकी माँ और परिवार को पता था कि तपस्या से शादी से पहले एक और शादी थी मालविका से। उस अतीत के बारे में कभी बात नहीं की गई, क्योंकि वो अतीत था ना मुक्ता, बीता हुआ कल था, एक ऐसी कहानी जो खत्म हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था ना कि वो बीता हुआ कल अचानक यूं मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मुझे जो भी लगता था वो सब गलत था, मुझे जो पता था वो सब झूठ था। मुझे नहीं पता था कि मरने से पहले मालविका ने एक बच्ची को जन्म दिया है, अंबिका को। और अगर अंबिका मेरी बेटी है तो क्या? तो क्या? मैं खुद को रोक नहीं पाया, सच बताने से रोक नहीं पाया। कब तक रुकता? अभी मीठी हमारे साथ थी और अब अचानक गुम गई। सब खुश थे, पल पल में जिंदगी बदल जाती है। किस्मत का, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे लगा कि अभी अंबिका मेरे सामने है, फिर शायद मुझे ये मौका मिलेगा ही नहीं। अगर वो यूं जिंदगी की पहेली में, किस्मत की पहेली में गुम हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा? बस पछताता रहूंगा कि मैंने सच नहीं कहा उससे, उसे नहीं बताया। कि मैं पिता हूं तुम्हारा, मुक्ता, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। ना मैंने उसका बचपन देखा है, ना मैंने। पापा, आपने तो हमारा बचपन भी नहीं देखा। बचपन में बड़े पापा ही हमारे पापा थे और बड़ी माँ हमारी माँ। उन्होंने हमें एक परिवार दिया और एक बहन भी। पापा, नई बेटी मिलने की खुशी में आप शायद भूल गए, पर हम नहीं भूले हैं। हमारी बहन मीठी अब तक घर नहीं लौटी। मुक्ता, मैं मैंने अभी देखा कि मीठी कहीं गिरी पड़ी है। वो मुझे पुकार रही थी, वो मुझे बुला रही थी साहब। शांत हो जाओ, मीठी पिकनिक पर गई है, चिंता मत करो, सब ठीक है। वो बहुत अजीब सपना था। ऐसा ही सपना मैंने देखा था जब इच्छा 5-6 साल की थी। वो टप्पू टप्पू चिल्ला रही थी, टप्पू। हाँ,
हेलो, हाँ बेटे रघुविंदर हम बोल रहे हैं। बेटे मीठी ठीक तो है ना? नहीं वो दरअसल दामिनी ने एक बुरा सपना देखा था, इससे हम पूछ रहे थे। क्या? ठीक है ठीक है, हम बाद में आपसे बात करते हैं, बाद में आपसे बात करते हैं। साहब क्या हुआ? एक माँ का दिल हो सकता है जो जानता है उसकी बेटी खतरे में। मैंने आपसे कहा था ना ये सपना नहीं था। बेटी मुझे पुकार रही थी, वो मुझे बुला रही थी। खतरे में है साहब। लगता है आपकी बीवी अब सुबह ही मिलेगी। अगर तुम्हारी पत्नी खोई होती तब भी तुम यही कहते क्या? सीरियस? जब तक मीठी नहीं मिलती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तुम जाना चाहते जाओ, लेकिन मैं यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर ही जाऊंगा। बड़के जल्दी आ, ये देख। ये तो मीठी के ड्रेस का कपड़ा है। इसका मतलब मीठी यही कैसे गुजरी? आकाश हम लोग सही दिशा में, मीठी हमें यहीं कहीं मिल जाएगी। आगे एक खाई है, कहीं मीठी उसमें ना गिर गई। बंद कर अपनी बकवास। अगर ढूंढने में हमारी मदद नहीं कर सकता ना तो ऐसी आड़ी तेरी बात मत कर। आकाश 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 वो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, उन्हें इस एरिया के बारे में सब कुछ पता है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मीठी उस खाई में गिर गई होगी। अब आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, मुझे मीठी को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए। मुझे ये बात पता थी कि ये जगह मीठी के लिए अनजान है। जंगल में मेरी मीठी कहां खो गई होगी, घबरा गई होगी। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, सारी गलती मेरी है विष्णु। मुझे आकाश संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा मीठी को, और तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। विष्णु ठीक कह रहा आकाश, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, एक एक पल कीमती है। न जाने किस हालत में होगी मीठी भाभी। आकाश अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो आई। मीठी करते उस तरफ ढूंढते, चलो शायद वह होगी। ये भगवान, ये लोग तो दूर जा रहे, मैं क्या करूं? हमें रह रहे के ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हो रहा है वो अपने आप नहीं हुआ है? ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। मीठी का खो जाना जैसे जिंदगी में कोई उथल पुथल आने की आहट है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? मीठी की जेठानी जी की चिंता हो रही है ना? मुझे भी, पर मेरा दिल कहता है कि वो मिल जाएंगी।
बाप रे, इतना गुस्सा। शायद ये पत्थर कहीं से लुढ़क के आ गया हो। चले आइए। पता नहीं अन्नी आपकी इतनी क्यों याद आ रही है, कोई रास्ता दिखाइए हमें। हे भगवान, मैंने कैसे पहले नहीं देखी। ये सीढ़ी की आवाज मिली है, आसपास है।